मैं हूँ पटेल निचरटेल रामगढ़ अपनी कुटिया पर, और आज मन हुआ कि अपनी खेती बाड़ी देखी जाए। तो मैं, मेरी वाइफ और बेटा, क्या ठंड लग गई? नहीं अच्छी, हाँ स्मेल से। नहीं और ये बेटा अभ्युदय, तो हम लोग अपनी खेती बाड़ी देखने निकले हैं, क्या स्थिति है? घास तो बेतरतीब उगी हुई है और इसका भी काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है घास को साफ कराने का। साल में 2 बार इसकी सफाई अच्छे से करानी पड़ती है, फिर ये क्यारियाँ बनेंगी, खुदाई होगी, उसके बाद इसमें कुछ बोया जा सकेगा। ये सारी क्यारियाँ इसकी घास हटा के दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। हम लोगों ने कुछ नींबू माल्टा के पौधे लगाए थे, तो आज उसी को देखने निकले हैं कि उनकी क्या स्थिति है, ठीक चल रहा है, इनके आसपास सफाई होनी है। ये मैंने यहाँ एक पानी का टब रख दिया था जिसको मैं भर देता था, तो मैंने कई बार देखा है कुछ पक्षी और जंगली जानवर इसमें पानी पीते हैं आकर, खासकर गर्मियों में उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। सेब के पेड़ों में भी काफ़ी सफाई करानी है, घास का जिसको कह सकते हैं तांडव। पूरी घास में से ही गुजर के जाना पड़ रहा है क्योंकि क्यारी ढक गई है घास से। और यहाँ हमने वही नींबू देखने जाना है, क्या पोजीशन है। ये नींबू ठीक चल रहे हैं, ये कागजी नींबू था, दो आदमी का लगभग 1 महीने का काम है तब जाकर ये क्यारियाँ सही हो पाएंगी। यहाँ नीचे के स्टेप्स में भी नींबू के पेड़ लगवाए थे लेकिन उसका रास्ता बनवाना अभी बाकी है। अब ये पहाड़ के खेतों में ऐसे जीने बनाने पड़ते हैं उतरने चढ़ने के लिए, तो काफ़ी रफ़ एंड टफ, अपने आप लाइफ भी रफ़ एंड टफ़ हो जाती है। और ये जो कॉरपोरेट कल्चर वाले बच्चे हैं ना, इनका दम निकल जाता है यहाँ। एकदम बढ़िया चलते हैं। अच्छा, तुमने समझा कि मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ये सब देखिए ऐसे ही रफ एंड टफ जीनों से चढ़ते उतरते सारी क्यारियों को देख रहे हैं हम। ये भी काफ़ी अच्छा पेड़ चल रहा है माल्टे का, बस थोड़ी आसपास सफाई मांग रहा है। बादल चले गए हैं तो आसमान बिल्कुल नीला, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और ये तल्ला रामगढ़ की पूरी आबादी, जो आवाज़ें आ रही हैं नदी के पानी से झरझर झरझर बहने की, और सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ भी बहुत प्यारी रहती है यहाँ पर। तुम्हारे हाथ में ये क्या? ये तो छोटा खीरा लग रहा है, या सिंधी या चुले खीरा, खीरा ही है, खीरा है छोटा। ये इतना छोटे में क्यों तोड़ लिया? जल्दी तोड़ दिया, मुझे आइडिया नहीं हुआ क्या है। हाँ, अब एक देखो खीरा यहाँ छुपा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए, ये मिल गया। ये हाँ, कैसे आ गया? ये है, इसको तोड़ लो। हाँ छोड़ लो, ऐसे करो, लो। हाँ हाँ तोड़िए तोड़िए इसको, 1 मिनट से ऐसे छोड़ना, फोटो ले, ऊपर को रखो, लिए लो। हाँ हाँ कोई नहीं, तो हो गया। हाँ इसको, ये आप दिखाओ जरा इस खीरे को, ये इससे भी बड़ा हो जाता है और मज़ेदार बात यह है कि बहुत ही मुलायम रहता है ये। अच्छा टमाटर भी है, देखिए चेरी टोमेटो का पूरा गुच्छा है। आज तो भाई मज़ा आ गया, और ये एक खीरा और नज़र आ गया है जो पक चुका है, ये रहा। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुको रुको, यहाँ से निकाल लेंगे ये। दिखाई देगा, ऐसे दिखने अरे वाह,
ये तो पका हुआ, मैडम कह रही मैं तो लखनऊ ले जाऊंगी। जिन खोजा तीन पाइया, मैडम को यहाँ की सब्जियाँ बहुत पसंद है। और देखो घूमने निकली तो कहाँ कहाँ से खोज निकाला। अभी ये मेरी बगिया मत उजाड़ो, कोई और भी लोग आएंगे किसी और के लिए भी छोड़ दो। छोटे बहुत है इसमें। अरे छोटे छोटे, बड़े होने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं आ जाएगा। अब कोई अगले हफ्ते आ गया तो शहर में बड़े हो जाएंगे, दशहरे दिवाली तक हो जाएंगे। अब मिसेज को और ज्यादा उत्साह बन गया है कि कुछ और मिलेगा। ये देखिए अब ये देखिए प्रयास दुस्साहस क्या कहा जाए। और वैसे कह देते कि यहाँ चलो मेरे साथ तो नहीं जाती। हाँ इधर को मुंह दिखाओ, पता तो लग जाए तुम ही हो। हाँ अब ठीक है, ये हरी मिर्च भी तैयार है, अगर लेनी हो तो ले सकते हो। हाँ और ये दो तीन तरह की है, जो ऑरेंज वाली है ना उसको मत तोड़। तो आ जाओ फिर, काफ़ी सब्जियाँ हो गई हैं, अब चलते हैं और ऊपर। हाँ यहाँ पर ये देखिए बीन्स बन गई है, अब ये थोड़ी मोटी होगी। और इधर हमारे पास है कीवी, समय आने पर फलेगी। और ये है कद्दू, कद्दू की बेल जिसमें कुछ कद्दू लगे हुए हैं, बनने शुरू हो गए हैं कद्दू के फूल भी। इनके पकौड़े बहुत अच्छे बन जाते हैं।